सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा आपके द्वार, आज आपकी सेवा में मैं आपको सिंह लगन का विश्लेषण बताऊंगा। सिंह लगन का आचार विचार व्यवहार कैसा होता है, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। हमारा YouTube चैनल ज्योतिष सेवा आपके द्वार आपकी सेवा में है। आप इसके वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट में राय दे सकते हैं। इसमें नीचे हमारे फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो हमसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं, लेकिन आप समय लेके बात करें तो उसमें आपको ज़्यादा सुविधा होगी और हमें भी असुविधा नहीं होगी। हमारे जो फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उन फ़ोन नंबर पर हमारा व्हाट्सएप भी चालू है, तो आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, लेकिन फालतू की चैट करना मना है। सिंह लग्न के बारे में कहा है कि सिंह लग्नो दयो जातो, सिंह लग्नो दये जातो, भोगी शत्रु विमर्द कह, स्वल्यो दरो अल्प पुत्र से सोत्साही रण विक्रम। इसका मतलब ये होता है कि सिंह लग्न में जो जातक जन्म लेता है वो भोगी शस्त्रों का मान मर्दन करने वाला, कुशोधर, स्वल्प पुत्रवान, उत्साही, संग्राम में पराक्रम दिखाने वाले होते हैं। ये जातक बहुत खुद्दार प्रकृति के होते हैं। खुद्दार का मतलब होता है अपने आप अपना भविष्य निर्माण करना, किसी का एहसान नहीं लेना, किसी को परेशान नहीं करना, उसको खुद्दार कहते हैं। जो अपना काम स्वयं अपने तरीके से करते हैं वो खुद्दार होते हैं। हमारे ऋग्वेद में एक श्लोक आता है, अनुभद्र कृत वो यंतु विशतो दधासो अप्रीता सऊद विधे देवानो यथा सदमित विधे असन्न प्राय वो रखितारो दिवे दिवे। इसका मतलब ये होता है कि हम हैं, जो भी विचार आए हमारे अंदर, जो भी विचार आते हैं वे सब प्रकार से कल्याण में हों, उनमें किसी प्रकार का धोखा ना हो, उनमें बाधा ना हो, वो खुले और स्पष्ट हों, वे उलझे हुए ना हों, ताकि हमारी जो देवी शक्तियाँ हैं वो जाग पड़े, जो सदैव साथ देने वाली होकर हमारी रक्षा और हमारी वृद्धि करते रहें। तो ये ऋग्वेद का एक श्लोक है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि हमारी जो देवी शक्तियाँ हैं, अगर हम खुले मन से स्पष्ट होकर के मन को कहीं उलझाएंगे नहीं, तो देवी शक्तियाँ जो हमारी जागृत होती हैं और हमारा जो विचार है मन के, वो आगे बड़े उच्चाभिलाषी होके बढ़ते हैं। तो मित्रों, ये जो सिंह लगन है ये एक स्थिर लगन है, पुरुष लगन है, पूर्व की स्वामिनी है, क्षत्रिय वर्ण है, इसका तत्व अग्नि है। ये लोग अनिति बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ये जो सिंह लगन वाले जो जातक होते हैं वो अनिति बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ना तो ये गलत बात किसी से करते हैं, ना गलत बात ये सुनते हैं, ना ही इनको ये बातें बर्दाश्त होती हैं। अपनी ये मर्जी के मालिक हैं, किसी दबाव के साथ ये झुकते नहीं हैं, कोई इनको दबाव दे न जाए किसी तरीके से, तो इनको कोई झुकाव नहीं होता है किसी तरीके का, ये अपनी मर्जी के मालिक हैं। ये एक तरह से खुद्दार प्रवृत्ति होती है। ये अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करते हैं, ये नेतृत्व करने में महारथी होते हैं। सिंह की तरह दहाड़ इस लगन का सबसे बड़ा परिचय है। जैसे शेर दहाड़ मारता है, तो सिंह लगन के जातक जो हैं उनकी जो विचार, उसकी बाणी बड़ी प्रभावशाली होती है, इस तरह की बाणी होती है। ये काल पुरुष की कुंडली में जो है ये 120 डिग्री से लेकर के 150 डिग्री तक इस लगन का स्वामित्व होता है। इस लगन में ना कोई ग्रह उच्च का बनता है और ना ही कोई ग्रह नीच का बनता है। ये ग्रह ऐसी लगन है कि इसमें ना कोई उच्च का बनता है, ना कोई सिंह राशि में नीच का बनता है। इसका जो स्वामी है वो सूर्य है, जो सभी ग्रहों को प्रकाश देता है। जितने भी ग्रह इस हमारे ब्रह्मांड में गोचर करते हैं वो सारे सूर्य से ही प्रकाशवान होते हैं, सूर्य से ही उनको ऊर्जा मिलती है और सूर्य से ही उनको गति प्राप्त होती है। सभी जो ग्रह हैं वो एक अंश तक सूर्य के समीप आते हैं तो वो जो है अस्त हो जाते हैं। अब आपने देखा होगा बहुत से, भाई ये ग्रह अस्त हो गया, सूर्य के समीप आ गया, ये ग्रह अस्त हो गया सूर्य के, तो एक लिमिट है उनकी,
एक नियमित जो अंश है उसके हिसाब से वहीं तक वो अस्त होते हैं, उसके बाद फिर वो नॉर्मल हमें प्रभाव हमारी जन्म कुंडली में दिखाते हैं। तो सूर्य एक बहुत प्रभावशाली ग्रह है, इसका जो स्वामी है सूर्य कुंडली में जो है वो प्रताप पिताजी का प्रतिनिधित्व करता है, जो फादर होते हैं हमारे पिताजी हैं, पिताजी का ये प्रतिनिधित्व करता है सूर्य, हमारे पिता का कारक है। नवम भाव और दशम भाव को पिता का कारक भाव माना जाता है। तो इस प्रकार जो सूर्य जो है हमारी कुंडली में बहुत ही प्रभावशाली ग्रह है, क्योंकि अगर प्रथम भाव में हम देखते हैं तो प्रथम भाव में ये उच्च का बनता है, और नवम भाव दशम भाव ये पिता का कारक है, और पंचम भाव इसका अपना भाव है। तो इस प्रकार जो ये सूर्य है ये इस कुंडली में बहुत ही प्रभावशाली ग्रह है। सूर्य जो है नवम दशम का कारक होता है, नवम में पिता का कारक है, दशम में काम धंधे का, रोजी रोजगार का, और पिता का कारक भी बनता है। मेष राशि में ये जो सूर्य है 10 डिग्री तक उच्च का होता है, और तुला राशि में ये 10 डिग्री तक जो है नीच का प्रभाव दिखाता है। इसके जो मित्र ग्रह हैं, चंद्र है, मंगल है, गुरु है, शुक्र शनि राहु इसके मित्र ग्रह नहीं है, शत्रु हैं। बुध इसका परम मित्र है, अगर कुंडली में कहीं बुध और सूर्य का योग है तो वो बुध आदित्य योग कहते हैं, जो बड़ा शुभ होता है, अच्छा प्रभाव दिखाता है। सूर्य के नज़दीक सबसे जो है बुध ग्रह है, थोड़ा उससे दूर शुक्र ग्रह। तो शुक्र और बुध गोचर में जब भी आप देखेंगे तो सूर्य के या तो एक बुध एक घर पीछे होगा या बुध एक घर आगे होगा, उसी प्रकार शुक्र दो घर आगे दो घर पीछे या शुक्र सूर्य के साथ होगा। तो शुक्र और जो बुध है वो दोनों सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह हैं, तो ये दोनों सूर्य से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। 1, 2, 5, 7, 9, 12 भाव में अगर सूर्य के साथ में राहु का योग बनता है तो वो पितृदोष का निर्माण करता है। जो जातक को मानसिक संताप देता है, बाधा आती है उसकी परिवार में, अशांति का कारण बनता है, तो ये जो पितृदोष बनता है इसका उपाय कराना जातक के लिए बहुत जरूरी है, और उपाय नहीं कराओगे तो आपके पारिवारिक जो स्थिति है, आपकी जो मानसिक स्थिति है, उसमें कहीं ना कहीं आपको बर्दाश्त करने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी। अगर किसी की सिंह लग्न में सूर्य पाप पीड़ित है या पाप प्रभाव में लगन है तो सूर्य का जो एक स्रोत आता है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत, उसका आपको जाप करना चाहिए। अगर आप आदित्य हृदय स्रोत का जाप करते हैं तो सूर्य आपका अवश्य बलि बनेगा। तो सूर्य को प्रातः आप जल में थोड़ी सी लाल रोली डाल दें, थोड़ा गुड़ डालें उसके अंदर, थोड़े से उसमें 2-4 चावल के दाने भी डालें, और सूर्य को आपको स्नान के बाद में ये अर्थ जरूर देना चाहिए। ये अर्थ देने से सूर्य को बल मिलता है। अगर सूर्य आपका शुभ प्रभाव दिखा रहा है तो आपको शुभ प्रभाव देगा, और अगर शुभ है तो आपको और ज़्यादा शुभ प्रभाव देगा। इस लग्न में मंगल चतुर्थेश बनता है, भाग्येश बनता है, तो बहुत कारगर है। गुरु पंचमेश बनता है, अष्टमेश बनता है। पंचमेश में उसकी मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए गुरु इसमें शुभ प्रभाव देगा। अष्टम भाव में उसकी मीन राशि पड़ती है तो उसका कोई खराब प्रभाव नहीं देता। चंद्र इसमें बयस होने के कारण, चंद्र 12वें भाव का स्वामी है, 12वें भाव स्थानीय होने के बाद भी ये कारक ग्रह, क्योंकि ये सूर्य का मित्र है और चंद्र और सूर्य जो है हमारी कुंडली में एक एक भाव के मालिक हैं, तो इसलिए चंद्रमा को भी द्वितीय से होने बयस होने का दोष नहीं लगता है, और इस प्रकार गुरु को भी अष्टमे से होने का दोष नहीं लगता है, क्योंकि गुरु पंचम भाव में मूल त्रिकोण राशि उसकी पड़ती है, इसलिए गुरु भी शुभ है और अच्छा प्रभाव देता है। सूर्य गुरु को यति जो जातक है उसको उच्च पद देती है। सूर्य मंगल का योग भाग्य और दशम लगन में हो, भाग्य में हो, नवम भाव में, दशम भाव में हो, या प्रथम भाव लगन में हो, डॉक्टर, सर्जन, नेता बनता है। सूर्य उच्च का हो तो जज, मजिस्ट्रेट, मंत्री और चीफ मिनिस्टर तक भी बन जाते हैं। ये बहुत ही प्रभावशाली लग्न है। गुरु सूर्य लग्न में हो तो जातक सूर्य की तरह समाज में चमकता है, सभी उसका आदर करते हैं। इस लग्न का जो रत्न है वो माणिक है, तो जातक अजीब इसको धारण कर सकते हैं। इसके लिए लालड़ी, तांबड़ा, इसके लिए आप लालड़ी, तांबड़ा आदि भी पहन सकते हैं। इसकी जो धातु है वो सोना है, तांबा है। पुखराज, मूंगा, मोती इसके लिए भी लाभदायक हैं, और पुखराज और अगर आप माणिक धारण करते हैं तो वो आपको धन लाभ कराता है और सामाजिक मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ाता है।
आप अगर कोई भी रत्न पहनना चाहते हैं तो पहले आपको एक बार अपनी कुंडली का किसी अच्छे ज्योतिषी से विश्लेषण कराना चाहिए, उसके बाद ही आपको कोई भी नग धारण करना चाहिए। माणिक को आप बिना सौदे पहन सकते हैं, कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। इस राशि वालों को उदर संबंधी थोड़ी परेशानी होती है, हार्ट अटैक की दिक्कत इनको आती है, बुखार है, सिर दर्द वगैरह, माइग्रेन का दर्द भी इनको हो जाता है, लेकिन ये शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ कर लेते हैं क्योंकि अग्नि तत्व राशि है, ये बहुत तेजस्वी राशि है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं आती। सूर्य गायत्री आपको बताते हैं, आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात, ये सूर्य गायत्री है। तो जो सिंह लग्न के जो जातक हैं, अगर वो सूर्य गायत्री का रोज इसका पाठ करेंगे तो उनको किसी प्रकार का जिंदगी में कोई संताप, कोई दुख, कोई परेशानी जल्दी से नहीं आती। तो मित्रों, ये सिंह लग्न का छोटा सा विश्लेषण मैंने आपके सामने किया, आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें कि मेरा आने वाला आगे में जो वीडियो है वो आपको शीघ्र मिले। हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ज्योतिष सेवा आपके द्वार, ज्योतिष सेवा आपके द्वार, इसमें धर्म, आध्यात्मिक, ज्योतिष का नया नया ज्ञान और जो उपाय होते हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उपाय के बारे में भी हमने इसमें बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आप उन वीडियो को देखें और देखने के बाद में आप खुद निर्णय करें कि हमें उपाय करने हैं या नहीं करने हैं, ये आपके अपने ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हम उपाय बताना हमारा काम है, करना ना करना आपका काम है। अगर आप पूरी श्रद्धा से और पूरे विश्वास के साथ अगर कोई उपाय करते हैं तो आपको वो उपाय अवश्य ही लाभ देंगे। तो इसके साथ ही आज इस सिंह राशि का विशेषण यहीं तक। अगर आपने हमें कुछ सुझाव देना है तो सुझाव आपका आमंत्रित है। मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आप सभी का स्वागत भी करता हूँ और आपसे निवेदन भी करता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में आप हमें अपनी राय जरूर दें। फ़ोन पर बात करना चाहें, नीचे फ़ोन नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, जैसे आपको उचित हो हमसे संपर्क करना चाहे, आपका हर कदम पर आपका स्वागत है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।